तो माशाल्लाह जी ये उठाए जा रहे हैं कपड़े। ओ, सारे गए कपड़े। सारे कपड़े चंद्री तगा रही है, जोर नहीं है आपके पास, जोर है। फिर तो ये देखो जी कपड़े डाले जा रहे हैं छुट्टियों पर, है ना मी? वाओ, छुट्टियों पे डालने हैं। हाँ, मोटे हैं ना बच्चों के। अच्छा, बच्चों के हैं। अच्छा, घर में। अच्छा चलो जी। डंडों के साथ धो रही है मम्मी, सारा मेरे ऊपर पानी डाल रहे हो। हाँ जी। तो जी जिसने कमेंट किया था देख सकते हो जी, कुमें इस तरीके से गांव में जो है ना कपड़े धोते हैं ठंडे ठंडे पानी से। ठंडे से भी हाथ नहीं लगाया। हाँ जी, आजकल ठंडे पानी को भी हाथ नहीं लगाया जा रहा। अभी ये धो ले आपने। वैसे गाइस कमाल के दिन होते हैं गाँव के ना, कमाल के ही दिन, क्योंकि आजकल मौसम है ना चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, तो मौसम होता है बहुत ही प्यारा, तो आजकल कमाल के ये दिन गुजर रहे हैं। तो भाई ने कमेंट किया था मुझे, भाई ने कहा था यार आपके गांव में किस तरीके से कपड़े धोते हैं, कपड़े तो वैसे ही के जैसे धोते होंगे वैसे ही धोते हैं, मगर उसकी फरमाइश थोड़ी सी आज पूरी कर देते हैं। तो माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, जहाँ भी होंगे हंसते और मुस्कुराते होंगे। अब तो मुझे जानते होंगे, मैं हूँ आपका हामिद, मेरा YouTube चैनल देख रहे हो माँ बेटा व्लॉग। आज के मज़ेदार इस दुआ से करते हैं, जो भी अल्लाह ताला ने एक दिन दिया है उसको अच्छी तरीके से और खुशी से जीते हैं, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं, तो भाई की जो फरमाइश थी वो भी पूरी करते हैं। तो माशाल्लाह जी, जो भी न्यू चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब कर देना है, तो प्यारा से कमेंट कर देना है, तो शेयर भी कर देना, क्योंकि आगे जो भी देखने वाले हैं वो भी हमारे चैनल पे आ सके। जैसे भी आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी शेयर करेंगे वहाँ पे आएंगे हमारे चैनल को देखने के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो आज हवा भी चली हुई है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, तो इसका मौसम आज बहुत ही अजीब सा लग रहा है। आपको क्या बताऊँ, अजीब सा मौसम है, मैंने कभी पहले नहीं देखा था। तो वो देखो रक्षे वाले ने ना बकरियाँ लदी हुई हैं, तो आजकल यहाँ गांव में ना अक्सर यही होता है, क्या करते हैं लोग मोटरसाइकिल का जो सिलेंडर है वो निकाल देते हैं, निकालने के बाद फिर रेस देते हैं, जान करता है, जो भी सोए हुए होते हैं वो ही डर जाते हैं, उठ कर भाग जाते हैं, पता नहीं कौन सी बला आ गई है। यहाँ पे अक्सर यही लोग करते हैं, मोटरसाइकिलों का सिलेंडर वगैरह निकाल लेते हैं, तो फिर रेसें देते हैं। तो माशाल्लाह चलते हैं अम्मी के पास, क्योंकि आज अम्मी जो है ना खाले पर ऊपर कपड़े वगैरह धो रही है, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने तो मुकम्मल वीडियो आज करनी है, तो ये देख सकते हो मौसम बहुत ही ख़राब है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहाँ मुझे देखकर भाग गया कि मेरी वीडियो ना बना ले। तो माशाल्लाह चलते हैं अम्मी के पास, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये तो सेमा भी हमारे यहाँ बहुत हो गया, ये देखो। और ये देखो जी, मैं अपनी वो खाले पर आ चुका हूँ, तो सूरज ये देखो, तो यहाँ पे पानी आ रहा है, ये देखो धुंधला सा हो गया। और क्या हो गया आपको? कैमरा ही धुंधला हो गया, ऊपर सूरज को दिख सही हो गया, ये देखो। तो ये पानी हमारा जा रहा है इस साइड पर, ये देखो। तो माशाल्लाह जी अम्मी, पहले मुझे घुसना पड़ेगा पानी के अंदर, ठंडा ठंडा पानी है यार, ठंडा पानी है, सिर में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है। अच्छा, थोड़े से कपड़े में इस्तेमाल किया करो, क्योंकि सर्दी आ गई है ना, तो नहीं धोते जाते। अच्छा जी, चलो मुश्किल होती है ना हाथों से, छोटियों से डंडों के साथ धो रही है मम्मी, सारा मेरे ऊपर पानी डाल रहे हो। हाँ जी, आराम से मारो ना, बहुत मोटा से ना डंडे के साथ ही तो माशाल्लाह। ये देखो जी अम्मी जो है ना ठंडे ठंडे पानी से जो है ना कपड़े धो रही है, मैं भी बीच में खड़ा हूँ, मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा है, सिर में दर्द हो रहा है। तो काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं, बहुत रखे हुए हैं, रोटी पानी मेरा इतने पिछड़ा है।
आपका रोटी पानी यहाँ पहुँचाया जाए। बहुत कपड़े है मुश्किल से ना, तबीयत नहीं ठीक थे, बाहर कपड़े बहुत धोने थे ना। तो जी जिसने कमेंट किया था देख सकते हो जी, को मैं इस तरीके से गांव में जो है ना कपड़े धोते हैं ठंडे ठंडे पानी से, ये देखो जी बहुत मुश्किल काम होता है गांव का, ठंडे पानी से कपड़े धोना बहुत मुश्किल है। तो पहले 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 इसको क्या करना है, इसको सर्फ में डुबाना है, फिर छोटे के साथ धोना है, फिर धोना है। मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया, ठंडे पानी में वार किया, असर भी होने लग गया और असर भी हो चुका है ना। हाँ ये देखो झंडे के साथ धो रही है अम्मी, वाजी वाजी मेरा रुमाले को ऐसे धोया जा रहा है जो पटक पटक कर, बहुत मैला हुआ से ना, डंडे के साथ साफ हो जाएगा ना, देखना है कि कबाड़ा ना हो जाए। न्यू लाया होंगे ना, न्यू अभी पैसे नहीं आए, अभी तो नहीं है ना, पाक देगा ना, फिर न्यू लाया होंगे। जैसे रे साफ हो गया है ना, देखो जी माशाल्लाह जी, देखो जी कपड़े धोए जा रहे, मैं खड़ा हूँ बीच में ये देखो पानी के अंदर ही, तो अम्मी जो है ना यहाँ पे कपड़े धो रही है, तो मेरा गला को पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है कोई चीज़ यहाँ पे अटकी हुई है। तो जिस भाई ने कमेंट किया था उसने तो देख लिया होगा, गांव में इस तरीके से कपड़े धोते हैं ठंडे ठंडे पानी में, और अभी सर्दी का मौसम है तो ठंडा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना अम्मी। हाँ जी, पता नहीं क्या बर्फ आगे से कोई बर्फ़ डाल रहा होता है, पता नहीं पानी में पता नहीं क्या होता है, नहर का पानी होता है ना हमेशा ठंडे पानी को भी हाथ नहीं लगाया जा रहा। अभी ये धो ले आपने, थोड़ा सा धो ले तो टुकड़े पाओ, फिर दोबारा जो है थोड़े से रह गए। चलो ये तो सही बात है, सुखने डाला हो ना आप, आहो सर्दी है ना, हवा है ना, मैं कह जल्दी जल्दी से सूख जाए जल्दी से, जापान में ठंडी हो गई है और क्या करें, हर शहर ना ठंडी जम गई है, जापान भी जम गई है, तो कपड़े भी थे हाथ भी थे साबुन, ये है साबुन, ये है ठंडका, ये है फट्टा धोने वाला, तो ये है पानी, सर्फ किधर है, सर्फ मुक गया है, मुक गया है, ये क्या बात हुई, मुक गया है, मुक गया है, खत्म हो गया है, जैसे बोलो ना खत्म हो गया, मुक खत्म हो गया है, चलो तो सर एक ही मैं आका था मुक गया है, वो भी नहीं कहते अदन मुक गया है, हां कहते मुक गया है, मुक नहीं कहते, सर एक ही मैं बाल छपाना बोली जाती है ना उर्दू में, बस एक बोली जाती है ना। तो माशाल्लाह जी ये उठाए जा रहे हैं कपड़े, ओ, ओ, ओ सारे गए कपड़े सारे कपड़े, चंद्री तगारी है, जोर नहीं है आपके पास, जोर है फिर 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 जोर है, तो तगारी ऐसी है ना कटी हो जाती है। हाँ ओ, ओ, ओ गई 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 गई, हम भी जा रहे हैं माशाल्लाह, जा रहे हैं जा रहे हैं, छोटी बच्ची हो क्या, वो तेरी है। तो अम्मी जा रही है कपड़े लेकर, देखो कहाँ पे अम्मा खिलारने हैं, घर में, घर से घर में, अच्छा
चलो जी देखना फिर नहीं गिरा देना। बकरियों को क्या हो गया? चिल्लाने लग जाती हैं जब आप आते हो। तो ये देखो जी कपड़े डाले जा रहे हैं छुट्टियों पर, है ना मी? छुट्टियों पे डालने हैं? हाँ, मोटे हैं ना बच्चों के। अच्छा, बच्चों के हैं। अच्छा, बच्चों के थे, खिलार देती हो ना, जल्दी सूख जाएंगे। ये देखो जी हमारी बकरियों का जो वाड़ा था ना वो नीचे गिर गया। इन्होंने नीचे पता नहीं कैसे देखो गिरा दिया है। ये देखो इन्हें बकरियों ने गिराया है। चुप नहीं आती तुम्हें? चुप, वे चुप। देखो नहीं चुप करती हैं हमारी गंदी बकरियां, चुप ही नहीं करती सारा दिन। तो अम्मी माँ क्या चिल्लाने लग जाती है ये मैं। डाला नहीं है वो जो ज्वार लेके आए थे? ये देखो डाली है थोड़ी सी। अच्छा, नीचे वो बिलाल लेकर जाता है चराने के लिए। हाँ जी माशाल्लाह आपका फरमाइश जो है ना पूरी होगी होंगी माशाल्लाह। जो धोते हैं फिर हमने खिलार भी दिए धूप पर सूखने के लिए। तो माशाल्लाह जी अभी जो है ना थोड़ा सा हाथ मुँह धोते हैं, अभी नाश्ता भी नहीं किया वो भी करते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर तक आपके साथ जो भी आगे का माहौल होगा वो शेयर करेंगे। तो देख सकते हो अभी जो है ना हमारा घर कैसे अकेला अकेला है, कोई भी नहीं है, सिर्फ अम्मी और मैं और एक दो तीन बच्चे हैं बस, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो माशाल्लाह थोड़ी देर तक फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। क्या ये क्या हो गया? गया। कैसे? ओ जब कपड़े पाए थे कमजोर थे, आगे भी जान लग गया खड़ा है तो टूट लगा। वाह जी अम्मी की मेहनत मुझे लगता है जाने थी मगर बच गई है। इसके ऊपर आहो ऊपर से थोड़ा सा ना ऊंचा कर रहा हूं इसको, ऊपर कर रहा हूं इतना ऊंचा यहाँ से नीचे, फिर टूटा तो खत्म हो जाएगा कपड़े। आपकी मेहनत जो है ना आपने धोई है ना, फिर मुझे नहीं कहना। अब क्या करें? थोड़ा सा ऊंचा कर दे जो बच्चे के हाथों से ना। अच्छा फिर इसको पकड़ो आज कैमरा। हाँ आगे उंगली ना दो कैमरे के, आगे उंगली मत दो, ऐसे पकड़ो कैमरा। हाँ ये देखो फिर भी उंगली दी हुई। अम्मी को कैमरा नहीं पकड़ना था अम्मी आपको, तो ऐसे पकड़ो ना। ये देखो यहाँ से एक हाथ से पकड़ो, देखो सारी वीडियो खराब हो जानी। हाँ ऐसे पकड़ कर आराम से, आराम से उत्ते चढ़ जाओ ना, उत्ते चढ़ जाओ ना उत्ते। ये बकरी एक तो सिर खा कर रखा है, बस बड़ी है इतना। चलो हाल है इतना बड़ी है, इतना काफी है। हाँ इतना काफी है ना, बस सूख जाएंगे जब ना। हाँ ऊंची कर लूंगे। चलो अभी मैं आखिर किले है ना पीछे घेर ना जाऊँ दोबारा, फिर धोना पड़ जाएंगे। चलो आप फिर और धोने हैं अभी। हाँ? और धोने और बहुत रखे हैं आज, जो भी है तो लकड़ा जो तना जो भी है ना सारी फुल कर देने। चलो आप धो आज धो जाओ। हाँ, जाओ आप।
जाती हूँ मैं। वो देखो जी अम्मी जा रही है दोबारा कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो वही धोने के लिए जा रही है। तो माशाल्लाह बकरियों को तो चुप कराओ यार, डाल दो ये थोड़ा सा बिलाल। ओ आप डाल दो यार इनको, बकरियां भी चुप नहीं कर रही है। देखो चुप कर जाओ, डाल दो डाल दो। दो दो तीन तीन डाल दो। ये रस्सा है बीच में इनका, वो रस्सा है वो। हाँ अब कुछ खामोश हुई है। देखो चलो जी अम्मी गई हुई है अभी कपड़े धोने के लिए, तो वो आ जाए तो माशाल्लाह आगे का जो भी माहौल है उसको करते हैं।